हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. आई एम टुडे डिस्कस हियर रेलवे साइको एप्टीट्यूड टेस्ट. तो हम लोग जैसे हम प्रीवियस वीडियो में सारा बता चुके हैं कि साइको टेस्ट में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना टाइम मिलता है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में सारा देख चुके हैं. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब जानने के लिए हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें. और आइए देखते हैं ये वाच टेबल टेस्ट आज हम डिस्कस करते हैं. और इसके पहले हम एक वीडियो जस्ट नो टेस्ट पूरा डिटेल पूरा कम्प्लीटली उसको डिस्क्राइब किया. तो ऐसे आइए देखते हैं वाच टेबल टेस्ट में क्या होता है. तो जैसा कि हम लोग को पता है कि वाच टेबल टेस्ट में कुल एक क्वेश्चन 5 मिनट का समय दिया जाता है. उसमें टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं और उसमें कुल टोटल 2 क्वेश्चन मिलता है, 2 टेस्ट मिलता है. इसमें कुल मिला के 20 क्वेश्चन होंगे और 10 मिनट का टाइम मिलता है. तो आइए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है, टेबल टेस्ट लेने की हम लोग की आवश्यकता क्यों पड़ी. तो उसके पहले हम जानते हैं कि दिशा परीक्षण करने की क्षमता को जांचना. देखिए, दिशा परीक्षण करने की क्षमता को जांचना. तो देखिए, जब रेलवे ड्राइव करते हैं तो हम लोग को जब दिशा का ही ज्ञान नहीं रहेगा कि मतलब नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सिग्नल पे ट्रैक को चेंज करते हैं. तो आइए देखते हैं कि उसके हिसाब से कौन सा होता है, कि मतलब कैसे हम लोग जानते हैं इसको. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी हम लोग को अनुमान होगा. ऐसे लगता है कि हम लोग पूरा जानते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा क्या इसमें दिक्कतें आती हैं, कैसा क्वेश्चन आता है, कितना टाइम लगता है. तो ये कह सकते हैं क्वेश्चन तो है सही है, क्वेश्चन ये लेंदी भी है और टाइम भी कंज्यूमिंग है. जब तक एक दूसरे को जैसे चेंज करके करते हैं, मतलब आंसर देते हैं, उसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है. तो आइए देखते हैं कि ये इसको करने के लिए कैसे हम लोग करते हैं. तो आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं. और यहाँ पे देखिए, हम इससे पहले हम डिस्कस करते हैं इस फिगर को. एक ऐसा फिगर दिया रहेगा उसमें आपके स्क्रीन पे, और उसके बाद से ये 10 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, स्क्रीन पे शो करेगा. तो आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ के और इस फिगर को देख के आंसर देना रहेगा. और देखिए, जो ऑप्शन आता है, ऑप्शन जो रहेगा आपका, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आपकी स्क्रीन पे शो करेगा. तो इसमें आपको देखना रहेगा कौन सा किसका नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5. तो आप लोग को पता है कि जैसे हम एक बार यहाँ बता देना चाहेंगे, जैसे हम देखते हैं सिंपली, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है. अब इसको क्या जानेंगे, इसको नॉर्थ और ईस्ट जानेंगे, इसको ईस्ट और साउथ जानेंगे, और इसको वेस्ट और साउथ जानेंगे, और इसको नॉर्थ और वेस्ट जानेंगे. ठीक है, तो ऐसे हम लोग जानते हैं, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं. ये रीजनिंग का क्वेश्चन जो होता है डायरेक्शन सेंस का, उसमें हम लोग इसको पढ़ चुके हैं. लेकिन हम लोग को देखना है कि ये सही से क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. तो देखिए, हम एग्जाम्पल के तौर पे 2 फिगर बनाए हैं, क्योंकि इसमें होता है कि जैसे आता है क्वेश्चन कि डी को और क्यू को बदलने पे फिर उत्तर में कौन सा हो जाएगा. तो हम यहाँ पे मतलब वैसे करके मिटा के और ऐसे आंसर देंगे. तो इसके लिए हम एक सैंपल यहाँ पे बना दिए हैं, जो यहाँ पे फिगर रहेंगे और इसमें हम चेंजिंग करके आंसर को देंगे. तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन पढ़ के क्या बोल रहा है. देखिए यहाँ से केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, D1 को Q2 से बदलने पर उत्तर में कौन सा अंक होगा. तो D1 कहाँ है, D1 ये है, और Q2 को Q2 ये है, इसको बदलने पर उत्तर में कौन सा. तो ये बोल रहा है कि ये D1 की जगह Q2 की जगह D1 हो जाए और इसकी जगह पर Q2 हो जाए. तो देखिए, बदलने पर उत्तर में कौन सा होगा, तो उत्तर हम लोग का ये हो जाएगा. तो उत्तर में हो जाए क्या, Q2. तो 2 के बेसिस में कौन सा नंबर है, 2. तो यहाँ आंसर होगा 2. ऐसे ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कन्फर्म हो गया. अब देखिए, बस ऐसे देखिए, ऑप्शन जो रहेगा ना 1, 2, 3, 4, 5 पर कैसे दिया रहेगा, इसमें से हम लोग एक ऑप्शन चूज करके यहाँ पे ऑब्लिक पे माउस से क्लिक करना रहेगा. तो फिर आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को क्या है. जैसे बोल रहा है P5 को M4 से बदलने पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सा अंक होगा. तो P5 देखिए कहाँ पे है, P5 यहाँ पे है, और M4 को बदलने पर, इसको और इसको बदलने पर. तो यहाँ पे P5 कर दीजिए और यहाँ पे M4 कर दीजिए. बोल रहा है नॉर्थ और वेस्ट, तो ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, बीच में क्या कौन सा अंक होगा, 4 होगा. ठीक, अब इसको मिटा दीजिए, आसानी से मिटा दीजिए. फिर इसको देखिए, ये अब फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, C2 और Q2 को और N3 से मिलकर एक त्रिभुज बनाएं. तो देखिए क्या कहाँ क्या बोल रहा है. जैसे देखिए C2 कहाँ है, C2 ये हो गया, ठीक, और Q2 ये हो गया, और N3
यंत्री ये हो गया, तो बोला यहाँ से लेके इसको 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 लेके एक त्रिभुज बनाए, और फिर शीर्ष पे कौन सा, तो शीर्ष पे तो यही होगा ना, इसको लेके त्रिभुज बनाएंगे तो शीर्ष पे क्या होगा, टू होगा ना, तो यहाँ से हम लोग केवल आंसर टू लिख देंगे। और फिर आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यंत्री और क्यू टू के बीच, यंत्री और क्यू टू के बीच डी टू और ट्यू टू को डी टू डी वन और टी थ्री के बीच के अक्षर बदलने पर उत्तर पूर्व में, तो इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है, बदलने पर पूर्व के बीच में, उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सा होगा, तो उत्तर और पूर्व के बीच में क्या होगा, यहाँ पे मान ली सी टू ये हो जाएगा, यहाँ पे जी वन हो जाएगा, तो ये किसकी बात कर रहा है, वन की बात कर रहा है ना, वन की बात कर रहा है, ऐसे करके। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं फाइव, क्वेश्चन नंबर हम फाइव देखते हैं, इसको हम फिगर को सही करते हैं, मिट गया, तो ऐसे करके क्वेश्चन फोर हो गया, थ्री हो गया, टू हो गया, क्वेश्चन कह देते हैं यम टू यम फोर और पी फाइव, यम फोर और पी फाइव को बदलने पर पूर्व और दक्षिण के बीच कौन सा अंक होगा, तो यम फोर और पी फाइव, यम फोर को बदलने पर पूर्व और दक्षिण, पूर्व और दक्षिण में कौन सा होगा, जब यम फोर की जगह जब पी फाइव हो गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव हो जाएगा ना, तो यहाँ हम लोग फाइव लिख देते हैं। और फिर ऐसे करके हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे यंत्री को टी थ्री से बदलने पर पश्चिम में कौन सा अंक होगा, जैसे यंत्री देखिए यंत्री कहाँ है, तो यंत्री हम लोग का ये रहा, और टी थ्री को बदलना है, देखिए यहाँ पे कर दीजिए यंत्री और इसको कर दीजिए टी थ्री, बदलने पर पश्चिम में कौन सा होगा, तो पश्चिम ये है, तो हम लोग को तो देखिए बेस ही तो दोनों का तीन है, तो आंसर वैसे भी तीन आ रहा है, आंसर तीन आ गया। देखिए इसके आगे देखते हैं, अब देखिए D1 को Q2 से और N3 को T3 से बदलने पर उत्तर में कौन सा अंक होगा, तो देखिए D1 कहाँ है, D1 हम लोग सर्च करते हैं, तो D1 है यहाँ और Q2 यहाँ है, तो Q2 यहाँ कर दीजिए और D1 यहाँ कर दीजिए, उसके बाद से N3 को T3 से, तो T3 को N3 से बदल दीजिए, ठीक, उत्तर में कौन सा अंक होगा, तो उत्तर में क्या होगा, ये D1 के जाके Q2 है ना, तो यहाँ पे टू हो जाएगा, अब इसको मिटा देते हैं, तो ऐसे करके आपको रफ में ये काम ना, वहाँ पे जिस क्वेश्चन में आवश्यकता होगा रफ पेपर का, तो वहाँ रफ पेपर दिया जाएगा, जहाँ आवश्यकता नहीं होगा रफ पेपर का, वो सिंपली आप मेमोरी बेस पे मतलब रफ पेपर नहीं दिया, बाकी जहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगा वहाँ पे एग्जाम में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो फिर आइए देखते हैं आठवां क्वेश्चन, पी फाइव और जी वन से और क्यू को M4 से बदलने पर, देखिए P5 और G1, तो यहाँ P5 लिखिए, यहाँ G1 को बदलने पर, और C2 को M4 से, तो C2 कहाँ पे है, C2 को M4 C2 से बदलने पर उत्तर और पूर्व के बीच कौन सा होगा, तो देखिए उत्तर और पूर्व देखिए यहाँ पे है, उसके बीच में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और वैसे देखते हैं कि G1 को M4 से, अब यहाँ देखिए जो G1 है यहाँ पे M4 से, G1 को M4 के विपरीत दिशा में चलने पर बीच का अक्षर अंक कौन सा होगा, देखिए G1 और M4 से घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी पता है कि क्लॉकवाइज चलता है ऐसे, लेकिन जब विपरीत दिशा लेंगे तो ऐसे चलेंगे ना अपोजिट, तो यहाँ से यहाँ तक चलने के बीच में कौन सा आएगा, 2 आएगा ना, Q2, तो हम लोग 2 भर देंगे। अब देखिए उत्तर से दक्षिण घड़ी की दिशा में, अब उत्तर से दक्षिण घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ घड़ी का दिशा किसे चलता है, क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज ठीक, दिशा में चलने पर बीच में कौन सा अंक होगा, तो हम लोग को यहां से लेके यहां तक जाना, तो बीच में क्या होगा, T3 होगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो ऐसे करके हम लोग का क्वेश्चन आसानी से आता है, तो और उसको हम लोग रफ पेपर में ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन को, और पेंसिल और रबड़ लेके उसको मिटा के और अपना आंसर चेंज करके देंगे, तो ये डिफिकल्ट नहीं होता, बस ये आपकी एबिलिटी चेक किया था कि आप ये कर सकते हैं या नहीं, ठीक है ना, ये नॉर्मल माइंड आराम से कर लेगा, और जो
नहीं कर पाएगा, वो एलपी के मतलब लायक नहीं है, ऐसा मानता है रेलवे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये कमेंट करके बताएं आपको मतलब आसान लगा और कैसा लगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।